हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यहाँ पे आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन चीज़ें बताना चाहती हूँ जो कि एसएससी के द्वारा आया है। उसके बाद मैं आपको अपनी जर्नी भी बताऊंगी कि कैसे मैंने एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन दिया था और कैसे मैंने दो बार सिलेक्शन फेज जो हुआ होता है ना एग्जाम, सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 और 10 निकाला था। तो आपको मैं अपनी जर्नी, अपना जो भी स्ट्रैटेजी थी, कैसे पढ़ती थी, कैसे क्या मेंटेन करती थी, वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि क्या स्टडी प्लान होता। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि जो गलतियां मैंने करी, मैं नहीं चाहती कि वो गलतियां आप भी करो। और क्या क्या बुक्स पढ़ी, कैसे क्या पढ़ा, ये सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसकी बात कर लेते हैं। एसएससी के द्वारा भी दो एग्जाम्स की डेट आई है। पहला दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जो हमें पहले से पता था, बट उसके एग्जैक्ट अपडेट 14 नवंबर से जो 13 दिसंबर तक एग्जाम होंगे वो कंडक्ट कराए जाएंगे। और केकेआर रीजन के एडमिट, जो केकेआर रीजन है ना, उसके एप्लीकेशन स्टेटस भी आ चुके हैं। तो जो भी उस रीजन को बिलोंग करते हैं वो अपने एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। बाकी अब हर रीजन के एप्लीकेशन स्टेटस आने वाले हैं। तो जो भी एस्पिरेंट्स है वो अब समय वेस्ट नहीं करें और अपना रिविजन करते रहें, ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस करें। जो भी उनके नोट्स होंगे, जो भी उन्होंने सीखा है कॉन्सेप्ट, उनको रिवीजन करते रहें। बाकी जो 4 पेपर, मतलब इसमें जो 4 सेक्शंस होंगे, रीजनिंग, जीएस, मैथ्स, कंप्यूटर, उसमें आपको जीएस में टारगेट लेके चलना होगा कि आप 35 स्कोर करो। मैं 40 नहीं बोल रही, क्योंकि मैंने जब पेपर दिया था तो मैंने 40 का टारगेट लिया था, तो मेरे 35 मार्क्स ही आ पाए थे। लेकिन आप लोग अगर जीएस, जिसकी बहुत अच्छी है, या बहुत सारे एस्पिरेंट्स हों को जिनको जीएस अच्छी नहीं लगती लेकिन उनको पढ़ना पड़ता है क्योंकि जीएस का वेटेज में ज्यादा है, बट आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा कि आप मिनिमम 38 से 40 स्कोर करो। क्योंकि इस जैसे कि हर एग्जाम में कट ऑफ ज्यादा जा रही है, तो उसके भी चांसेस होंगे कट ऑफ ज्यादा जाएंगे। क्योंकि ये तो पहली बात, तो ये एग्जाम जब हो जाएगा उसके बाद पेपर कैसा आया, इजी टू मॉडरेट आया, कैसा आया, डिफिकल्ट आया, एग्जाम पैटर्न जो पेपर आएगा उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन फिर भी आप जैसे कि लास्ट का एग्जाम्स में देख सकते हो, सीपीओ में, सीजीएल में, एमटीएस में, इनकी कट ऑफ ज्यादा जा रही है। तो ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि शायद इसकी भी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। बाकी ये डिपेंड करेगा कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कितने कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है, ये सारा अटेंडेंस, मतलब बाकी सारी जो चीजें होती है, सिनारियो पे डिपेंड करेगा। बट मेरा ये मानना है कि शायद इसकी भी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है। तो मैं पहले से अवेयर करना चाहती हूँ कि जो भी एस्पिरेंट्स है ना, वो टारगेट लेके चले अपना कि जीएस में 38 स्कोर करें, 38 टू 40 स्कोर करें, रीजनिंग में 23, अगर 25 में 25 कोई नहीं ला पा रहा है, वैसे मोस्टली ले आते हैं, मैथ्स में आपको टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 12 जिनकी वीक है तो उनको टारगेट लेना पड़ेगा कि वो 10 टू 12 मार्क्स स्कोर करें। बाकी जो एस्पिरेंट्स हैं जिनकी मार्क्स अच्छी, वो 15 में 15 ले आएंगे। बाकी आपको कंप्यूटर में 10 में से 8 टारगेट लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सेक्शन लेना है तो आपको इतना मिनिमम हर सेक्शन में टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तभी आप कट ऑफ क्लियर कर पाओगे। यहाँ पर इसकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एंड टाइम में आपको कौन कौन से जीएस में टॉपिक पढ़ने जो आपको 35 प्लस स्कोर दिलाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स का ज्यादा वेटेज होता है मैथ्स में, जीएस में, रीजनिंग में, ये सारा मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां से जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा। लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है उनके बेसिस पे मैंने वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने की कोशिश करी है, जिनसे आपको हेल्प मिल सके कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हर साल पेपर में आते ही आते हैं, तो उनको प्रैक्टिस करके आप अपना स्कोर बूस्ट कर सकते हो। सेकेंड, अब बात करेंगे कि एसएससी जीडी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जिनको एसएससी जीडी की वैकेंसी का वेट है, तो अब ये वेट भी यहां से आप लोगों का खत्म होता है, क्योंकि इसकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 20 फरवरी 2024 से इसका एग्जाम शुरू हो जाएगा, तो मतलब कि इसके फॉर्म्स भी जल्द आने वाले हैं। अभी इस अक्टूबर के लास्ट तक इसके फॉर्म आ जाएंगे, अगर नहीं आ रहे तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक तो श्योर है कि इसके फॉर्म्स आ जाएंगे। तो जो भी एस्पिरेंट्स है ना, वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, वो बेस्ट अपना सिलेक्शन दे। और जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने एसएससी सीपीयू का दिया था, अगर उनका नहीं हो पाया तो वो परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि अब बहुत सारे फॉर्म्स आने वाले हैं और बहुत सारे फॉर्म्स आ भी रहे हैं जो वो फिल कर सकते हैं और फिर वहां पे अपना सिलेक्शन दे सकते हैं। बाकी आपके पास तो अभी बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनको और भी अटेम्प्ट मिलेंगे सीपीयू में, तो वो अपनी तैयारी वैसे ही करते रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव करने की कोशिश करें कि जो कमियां हैं, किस सेक्शन में आपका स्कोर कम हुआ, तो उस पर ज्यादा फोकस करें। अब मैं आपके साथ जर्नी भी आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैंने अपना सिलेक्शन दिया था और कैसे मैंने क्या क्या बुक्स फॉलो करी। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि जर्नी जो होती है ना सिलेक्शन की, वो स्टार्ट कहाँ से होती है। सबसे पहले जो जर्नी स्टार्ट होती है ना, जब आप फॉर्म फिल करते हो, तब से ही हो जाती है। यहाँ पे एक चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कंफ्यूज रहते हैं कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, कौन सा फॉर्म करें, एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की तैयारी करें, यूपीएसआई की तैयारी करें, बैंक की तैयारी करें। तो उन्हें सबसे पहले ये चीज शॉर्ट आउट करनी है, अपने एक एम बनाना होगा उन्हें कि हमें किस तरफ जाना है, कौन सी
कमीशन की एग्जाम्स देने हैं, उसके बेसिस पे उन्हें अपनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि बैंक का लेवल थोड़ा अलग है और एसएससी का लेवल थोड़ा अलग है, क्योंकि कुछ थोड़ी बहुत डिफरेंसेस हैं। तो उनको वो सारी चीज़ें पता करके, उनको क्या इंटरेस्ट है, कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है, उसके बेसिस पे, मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ सब्जेक्ट, क्योंकि बहुत सारे लोगों की वीक होती है मैथ्स, तो वो लोग सोचते हैं जिसमें मैथ्स ना आती हूँ मैं वो एग्जाम देना है। बहुत सारे कैंडिडेट्स की इंग्लिश वीक होती है, उन्हें लगता है कि जिसमें इंग्लिश ना आती हूँ वो एग्जाम दे। तो मतलब आपको अपना पहले से ही एक मोटो बना लेना कि आपको कौन से एग्जाम्स देने हैं, आपका किस में इंटरेस्ट है, और आपका कौन, आप किसका सिलेबस कवर कर सकते हो। तो आप अपनी मतलब आप अपनी कैपेबिलिटी देखो कि क्या आप कर सकते हो, कौन सा फॉर्म फिल कर सकते हो, क्योंकि आप हर तरफ भागते रहोगे तो कभी कभी लास्ट में कुछ भी हाथ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप एक एम लेके चलना, फिर उसी पे फोकस करना है। सबसे पहले आप जब सिलेक्शन देना स्टार्ट करते हो ना, तो फॉर्म फिल करने का बहुत सारे एस्पिरेंट्स वेट करते हैं कि जो फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद फिर हम जब ये वैकेंसी आ जाएगी हम फॉर्म फिल करेंगे, फिर तैयारी स्टार्ट करेंगे। यही सबसे बड़ी गलती होती है। आप अगर ट्वेल्थ पास कर चुके हो तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो अपनी प्रिपरेशन करते रहो। और बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो सोचते भी हमने ट्वेल्थ पास किया, ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करेंगे। नहीं, आप अपनी एलिजिबिलिटी देखो कि आपको किस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसके बिहाफ पे अगर कोई पोस्ट है, आपका मोटो है कि हम इस पोस्ट में सिलेक्शन देना चाहते हैं, तो आप वहीं से तैयारी शुरू कर दो। आप एप्लीकेशन फॉर्म का वेट मत करो, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म के बाद इतना आपको समय नहीं मिलेगा कि आप कोई भी सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। मिनिमम आप किसी की भी तैयारी करो, आप 6 मंथ आपको चाहिए होंगे कि आप अच्छे से तैयारी करो, पूरा विद कॉन्सेप्ट ट्रिक्स, उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, उसका बार बार रिवीजन, आप मिनिमम आपको 6 मंथ चाहिए होंगे। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो 4 मंथ में भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये डिपेंड करता है, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है, बट मिनिमम मैं बोल रही हूँ कि अगर कोई एक एवरेज स्टूडेंट भी है तो उसको 6 मंथ चाहिए होंगे किसी भी सिलेक्शन के लिए तैयारी करने के लिए। तो अब यहाँ पे तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आपको ध्यान रखनी है, कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म का वेट नहीं करना है, आपको पहले से ही अपनी तैयारी स्टार्ट रखनी है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला कदम जो हम लोग रखते हैं ना सिलेक्शन देने में, वो होता है एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे पहले एप्लीकेशन जब आता है, एप्लीकेशन फॉर्म आता है, उसके नोटिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट्स केयरफुली रीड कर लेने होते हैं कि आपको कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट क्या है, वहाँ पर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए, बाकी आपको उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वो सारे आपको नोटिफिकेशन की डेट से पहले या फिर उस डेट तक रेडी कर लेने होते हैं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट इस चीज़ पे लापरवाही कर जाते हैं। तो फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है या बाद में उनका रिजेक्शन हो जाता है तो बहुत अफसोस होता है। ये गलती मैं खुद भी एक बार कर चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसी गलती आप मत करना। नोटिफिकेशन में जो डेट दी जाती है उसके पहले या उस डेट तक का हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट चाहिए होते हैं। बहुत सारे ऐसी पोस्ट हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है, तो अगर आपके पास स्टेट लेवल का स्टेट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट, आप चाहे ओबीसी, डब्ल्यूएस, एसटी, एससी, जो भी कैटेगरी से बिलोंग करो, तो आप सेंट्रल का पहले ऑलरेडी बनाकर रख लो, क्योंकि एसएससी जीडी का जब अभी फॉर्म फिल करोगे ना तो उसमें आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। और जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो अपनी स्पेलिंग, अपने एड्रेस की स्पेलिंग, अपने डॉक्यूमेंट्स, परसेंटेज, आपकी क्या क्वालिफिकेशन थी, पेरेंट्स का नेम, ये सारी चीज़ें आप पहले से उसमें एक एक विद करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लो कि आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया उसमें सारी चीज़ें जितना भी जो भी पूछा गया वो एक्यूरेट फिल हुआ है या नहीं। बाकी आपकी फोटो, किसी किसी फॉर्म में फोटो के नीचे साइन मांगते हैं, डेट मांगते हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपको पहले ही फॉर्म फिल करते समय भरना है। मतलब आपको जब फॉर्म फिल कर रहे हो ना, बहुत केयरफुली होकर, बहुत ज़्यादा सिंसियरली फॉर्म को फिल करते समय देखना है, चाहे कैफे से फिल करा रहे हो, चाहे खुद से, कि फॉर्म फिल करते समय कोई भी मिस्टेक नहीं हो। सेकंड, आपके पास डॉक्यूमेंट नोटिफिकेशन की डेट तक रेडी होने चाहिए। आप सारे डॉक्यूमेंट्स देख लो, 10, 12 डिग्री, मार्कशीट, फिर उसका पासिंग सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर अब बात करते हैं तैयारी की। आपको जब तैयारी करते हो ना तो उसमें आपको बहुत सारी बुक्स नहीं चेंज करनी होती। जैसे कि जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, किसी से भी पूछो जो भी बुक रिफर करते थे मैं बुक वो लेकर आ जाती थी। बाकी फिर यूट्यूब में देखती थी, अच्छा ये बुक ये अच्छी है, अच्छा जी इसकी ये बुक अच्छी है, ऑलरेडी मेरे पास थी बट मैं फिर वो बुक्स ले आती थी, ऐसे करके मेरे पास कई बुक्स का कलेक्शन हो गया। बट ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी कि एसएससी की कोई भी एग्जाम तैयार करने के लिए ना आपको सिर्फ 4 बुक्स चाहिए होती है, एक जीएस की, एक रीजनिंग की, एक मैथ्स की और एक इंग्लिश की। मैं सबसे पहले आपको बुक्स बता दूं कि जो जिससे मैंने तैयारी करी थी, जिससे मैं सिलेक्शन देने में सक्सेसफुल हो पाई, पहली थी लूसेंट। जीएस मैंने लूसेंट से कवर करी, उसका थ्योरी कवर किया, उसके सारे सेक्शन वाइज मैंने पूरा कवर किया। उसके बाद जीएस का प्रीवियस ईयर जो होता है ना वो मैंने पिनाकल कर लिया था, क्योंकि पिनाकल में उसमें इंडेक्स में बाकी पूरा सेक्शन वाइज दिया। जैसे आपको पॉलिटी का टॉपिक पढ़ना है ना तो आप पॉलिटी के इसमें पेजेस दिए, उस डायरेक्ट उस पेज में आप जम करके पॉलिटी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें सारे सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस, स्टेनो, जीडी, एमटीएस, स्टेनो, सीपीओ, सीजीएल,
सारे मतलब ये सारे प्रीवियस ईयर एसएससी के इसमें टीसीएस के द्वारा जो भी कंडक्ट कराए गए एग्जाम्स उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का वो कंपाइलेशन है और वो बुक मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, उससे मेरा काफी स्कोर इम्प्रूव हुआ है। पहले मैं सिर्फ लूसेंट से पढ़ती थी और कुछ दिन मैंने किरण पब्लिकेशन भी यूज़ करी, बट फिर मुझे एक मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड करी कि यार तुम पिनाकल बुक से पढ़ो वो ज़्यादा अच्छी, तो फिर मैं पिनाकल बुक के लिए लेकर आई और फिर सीरियसली मैं बताऊं तो पिनाकल बुक से मैंने काफ़ी स्कोर इम्प्रूव किया। और जब मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया था 2020 में तो पिनाकल बुक से ही मैंने ज़्यादा स्टडी करी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, बाकी मैं लूसेंट से पढ़ लेती थी, उसी से मेरा 35 स्कोर हुआ था। मैंने जब सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम दिया तो भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ पिनाकल बुक से ही करे थे। जिन एक्सपीरियंस के पास किरण बुक है बहुत अच्छी है, किरण बुक भी बहुत अच्छी आती है, उससे भी कर सकते हो, बट जिससे मैंने करी मैं वो बता रही हूँ क्योंकि पिनाकल की भी बहुत अच्छी आ रही है। तो जीएस की आप लूसेंट ले लो थ्योरी कवर करने के लिए और प्रीवियस ईयर के लिए आप पिनाकल या फिर किरण में से कोई एक ले सकते हो। रीजनिंग में भी आप किरण का प्रीवियस ईयर या फिर पिनाकल का ले सकते हो, ये बुक्स अच्छी हैं। बाकी आप मैथ्स के लिए किरण पब्लिकेशन की या फिर राकेश यादव सर के जो क्लास नोट्स आते हैं वो ले लो, वो भी बहुत अच्छे हैं। फिर आप बात करते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश वोकैब के लिए मैं तो सिंपल बोलूंगी आपको ब्लैक बुक, क्योंकि ब्लैक बुक से ना मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि उसके वन वर्ड एंटोनिम्स, मतलब उसमें जो मैं पढ़ती थी पेपर देने जाती थी मुझे वही मिलते थे, मुझे लगता था कि वाह क्या बात है मेरा तो पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। और सीरियसली जब मैंने सीपीयू का भी पेपर दिया था ना तो मेरे सबसे ज्यादा जो वेटेज आया था ना प्री में जब मैंने क्लियर किया था तो वो इंग्लिश की वजह से ही था कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो पाया, क्योंकि जीएस में तो मैं वहाँ पे ज़्यादा स्कोर ही नहीं कर पाई थी। तो मेरा मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश को ही मिलाकर वहाँ पे मेरा अच्छा स्कोर हुआ था। वो बात अलग है कि मैं फिजिकल में आउट हो गई थी, वो भी सिर्फ मेरी गलती की वजह से, अगर क्योंकि मैं शेयर कर देती हूँ मैंने गलती क्या करी थी कि जब मैंने फॉर्म फिल किया, तैयारी कर ही रही थी तो मैंने फॉर्म फिल किया, उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जब एग्जाम हो जाएगा मैं फिजिकल की तैयारी करूंगी, वही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे फिजिकल पहले से तैयार करना था, क्योंकि एग्जाम हुआ उसके बाद आंसर किया है उसमें हम लोगों को ज्यादा टाइम पीरियड फिजिकल के लिए नहीं मिला और फिर मैं फिजिकल में तैयारी नहीं कर पाई तो मैं वहां पे फिजिकल में आउट हो चुकी थी। लेकिन एसएससी जीडी में क्या किया मैंने, ये गलती देखी, मैंने सीपीयू में गलती कर चुकी थी तो एसएससी जीडी में ये गलती मैं ना करूं, इसलिए मैंने एसएससी जीडी में प्रिपरेशन के साथ साथ फिजिकल की भी तैयारी जारी रखी। तो यही चीज आपको नहीं करना है। बहुत सारे एक्सपीरियंस क्या होता है, फॉर्म फिल कर देते हैं, पढ़ते रहते हैं बट फिजिकल को भूल जाते हैं, होता है उनके माइंड पे बट वो फिजिकल उस समय कंटिन्यूटी नहीं रखते, बट ऐसा नहीं करना। आपको पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल भी लगातार करना है, क्योंकि आप एग्जाम दे के आते हो उसके बाद आप अगर फिजिकल तैयार करोगे इतना जल्दी नहीं हो पाता, आप स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा करके अगर फिजिकल तैयार करते चलोगे तो पढ़ाई के साथ साथ अगर फिजिकल तैयार करते चलोगे तो वो एक प्लस पॉइंट हो जाता है एक्सपीरियंस के लिए आपको। ये तो मैंने बुक बता दी, अब मैं बताती हूँ यूट्यूब चैनल पे मैंने किस किस टीचर की हेल्प ली थी। सबसे पहले मैं बोलूंगा आदित्य रंजन सर, कुछ टॉपिक मैंने मैथ्स में दो टीचर्स की हेल्प ली थी, एक गगन प्रताप सर की और एक आदित्य रंजन सर की। मैंने कुछ टॉपिक्स जो थे ना वो मैंने आदित्य रंजन सर के यूट्यूब चैनल से पढ़े होते और कुछ गगन सर के जो यूट्यूब चैनल है वहां से पढ़ा था, क्योंकि मैं दोनों टीचर्स को इसलिए फॉलो कर रही थी क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स मुझे शॉर्ट ट्रिक्स उनकी ज्यादा अच्छे से समझ में आ रही थी और कुछ उसे मैं गगन सर की समझ में आ रही थी। तो मतलब आप देख सकते हो कि मेनली जो मैथ्स के यूट्यूब चैनल पे टीचर्स अच्छे हैं वो थ्री हैं, राकेश यादव सर, गगन सर, आदित्य सर। तो आप इन तीनों में देख लो, यूट्यूब इनके चैनल पे जाकर देख लो और बहुत सारे एक्सपीरियंस उनको फॉलो भी कर रहे हैं, बट जो न्यू एक्सपीरियंस है जो बिगनर्स है उनके लिए स्पेशली मैं बता रही हूँ, आप इन तीनों टीचर्स की वीडियो देखना, आपको जिसका समझ में आप उन टीचर को फॉलो करके फिर उन्हीं के कॉन्सेप्ट ट्रिक्स को फॉलो करना। और मेन बात, आप किसी भी यूट्यूब टीचर को फॉलो करोगे ना आपको सेल्फ नोट्स तो बनाने ही कंपलसरी है, क्योंकि आप बिना सेल्फ नोट्स के आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन को निकाल नहीं सकते हो। आपको मेन मेन पॉइंट्स, कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स इनके तो नोट्स बनाने ही बनाने पड़ेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये किया था जब एक साल मेरा ऐसे ही वेस्ट हो गया था कि मैं सिर्फ बुक से पढ़ती थी, बुक में मार्क कर लेती थी, अंडरलाइन कर लेती थी, बट उससे मेरा इतना ज्यादा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो पाता था, क्योंकि जब मैं बुक्स रिविजन करती थी पेपर के समय तो मेरा मतलब हैक्टिक हो जाता था कि अरे क्या रिवाइज करूँ क्या ना रिवाइज करूँ, क्या पढ़ू क्या ना पढ़ू। तो ये गलतियां आप बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। आप को बुक्स बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको पर्टिकुलर सिर्फ 4 बुक्स लेनी है अलग अलग सेक्शन की, मतलब कि रीजनिंग की कोई एक बुक लेनी नहीं, मैथ्स की एक ले लेनी है, जीएस की एक ले लेनी है, इंग्लिश की एक ले लेनी है, क्योंकि एसएससी में इंग्लिश का वेटेज भी काफ़ी एग्जाम्स में ज़्यादा आता है। बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहो तो पिनाकल के ले लो या किरण के ले लो, यही दो लेना, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपका स्कोर बूस्ट होगा। टीसीएस क्या करती है, जो पीछे आपने पिछले साल जो उसने क्वेश्चंस पूछे होते हैं उसी के बिहाफ में वो आगे पूछती है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इस समय
इसलिए भी परेशान है कि क्या अब एसएससी का जो टीसीएस के साथ कॉन्ट्रैक्ट था वो खत्म हो रहा है, तो क्या अब टीसीएस कंडक्ट नहीं कराएगी, तो कौन सी एजेंसी कराएगी, एनआरएस सीईटी होगा, क्या होगा। तो सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बोलना चाहती हूँ, आप इस बात को अपने माइंड से निकाल दो, चाहे वो कोई भी एजेंसी कराए, चाहे वो कोई भी कंडक्ट कराए, आपको आएंगे तो वही चार सेक्शंस ना, आएगा तो वही सिलेबस। तो बस आप अपनी सेल्फ स्टडी पे और सिलेबस को तैयार करने पे फोकस करो, कौन कराएगा, कौन सी एजेंसी कराएगी, टीसीएस कराएगा नहीं कराएगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या ये सारी चीजें छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया और उसने अगर कोई भी यही रिपीटेड अगर दे दिया पैटर्न जो टीसीएस का रहा किसी एजेंसी ने, तो तब आप क्या करोगे। इसलिए बेटर है कि आप अपने सिलेबस को सबसे पहले कंप्लीट करो, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, ट्रिक्स सीखो और अपनी प्रैक्टिस पे फोकस करो। जब कभी भी आप तैयारी करोगे सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने और मॉक टेस्ट, ये थ्री स्टेप्स में आपको तैयारी करनी है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे और मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का स्कोर कैसे इंप्रूव होगा वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन ये थ्री स्टेप्स में अगर आपने किसी भी एग्जाम की तैयारी करी ना तो डन है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये श्योर है, मैं एक्सपीरियंस भी बता रही हूँ, मैंने जो किया है उसी हिसाब से। सबसे पहले तो क्या है कि आप अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी के द्वारा जो भी फॉर्म आते हैं वो सारे फॉर्म फिल करना, क्योंकि उससे आप एनालिसिस कर पाओगे कि कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा फोकस करने की नीड है और कौन से सेक्शन में आपका स्कोर इंप्रूव हो रहा है, कौन से सेक्शन में आपका स्कोर डाउन जा रहा है और कौन से टाइप के क्वेश्चन में आप फर्स्ट, मतलब ये चीजें आप छोटी जो चीजें होती है ये एनालिसिस कर पाओगे, इनसे आप स्कोर इंप्रूव कर पाओगे। क्योंकि मैं जब तैयारी कर रही थी ना तो मैंने टारगेट ले रखा था एसएससी सीपीयू, बट मैं फिजिकल में आउट हो चुकी थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जब सीपीयू की तैयारी कर रही थी तो उसके अलावा जो बाकी और भी एग्जाम्स होते हैं मैं उनको भी दूं। तो मैंने क्या किया, एसएससी जीडी का एग्जाम देना शुरू कर दिया, एमटीएस का देना शुरू कर दिया, सीएचएसएल का देना शुरू कर दिया और फिर सिलेक्शन पोस्ट फेज का भी देना शुरू कर दिया। क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट फेज में एक स्पेशलिटी सबसे ज्यादा अच्छी होती है कि आपको 10th हो, 12th हो या ग्रेजुएट लेवल, उसमें आप चाहे जितनी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करो एग्जाम सिर्फ एक देना होता है। तो एनआर रीजन से मैंने एक बार क्वालिफाई किया और एक बार क्वालिफाई किया है मैंने एसआर रीजन से। आपको सबसे बेस्ट बता दूं कि मैंने जो फेज 10 दिया था ना उसमें मेरा दो रीजन से क्लियर हुआ था, एक एनडब्ल्यू रीजन से, एक एनआर रीजन से। बाकी जो मैंने फेज 9 दिया था वो मेरा एसआर रीजन से क्लियर हुआ था। तो सबसे बेस्ट बता दूं ना मैं, ये जो आप बुक्स कवर करोगे ना इसी के बेसिस पे आपके ये सारे एग्जाम्स का सिलेबस आता है, सेम वैसा ही पैटर्न होता है, वही टॉपिक्स आते हैं मैथ्स में, रीजनिंग में जो आप पढ़ रहे होते हो। तो अगर आपने इन चार बुक से तैयारी कर रखी ना अपनी और बाकी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लोगे तो आप किसी भी कॉम्पिटिशन को बीट कर सकते हो। क्योंकि मैं यही करती थी कि मैथ्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर लेती थी, बाकी इंग्लिश में वोकैब्स डेली पढ़ती थी। अब वोकैब्स कैसे मैंने लर्न करी, पहले जैसे आज मैंने 20 वोकैब्स लर्न कर लिया, तो जब मैं कल पढ़ती थी ना तो पहले वो 20 वोकैब्स को रिवाइज करती थी, फिर उसके आगे 20 वोकैब्स लर्न करती थी, फिर जब थर्ड डे पढ़ती थी पहले 20+20 पहले प्रीवियस 40 रिवाइज करती थी, फिर आगे 20 और पढ़ती थी, ऐसे करके मैं 20-20 डेली पढ़ती थी और पीछे का रिवाइज करती जाती थी। इसी तरीके से मैथ्स में सबसे पहले मैंने परसेंटेज की वैल्यू, फॉर्मूले, मेंसुरेशन के, बाकी ट्रिग्नोमेट्री में जो आइडेंटिटीज और फॉर्मूले लगते हैं वो, मतलब कि छोटी छोटी जो चीज़ें होती ना जो बेसिक होती है, डिविजिबिलिटी रूल, स्क्वायर, क्यूब्स, ये सारी चीज़ें मैंने लर्न करी। अपने रूम में एक चार्ट चिपका लिया था, डेली जब सुबह उठती थी सबसे पहले उनको ऐसे देखकर उनको रीड करती थी और फिर डेली मेरा ये रूटीन था कि सबसे पहले उनको रिवाइज करना है। क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे ना तो वहाँ आपके पास ये टाइम नहीं होगा कि 1/4 परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, वहाँ पर आपको तुरंत वो चीज़ माइंड पे रखनी होती है। इसलिए आप जब ये चीजें आप डेली करोगे ना तो वो अपने आपके माइंड में वो ऑलरेडी सेटल हो जाएगी। ये सारी चीजें मैंने स्टार्टिंग में, मुझे नहीं पता थी, तो मैंने जब स्टार्टिंग में एमटीएस का दिया था तो मेरा प्री जो एमटीएस था एमटीएस का प्री टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ था। फिर मैंने अपने फ्रेंड से बात करी, यार मेरा तो क्लियर नहीं हुआ कैसे क्या करूं, फिर मैंने यूट्यूब में सर्च किया, मुझे वहां से कुछ मिल रहा था बट कन्फ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो रही थी। फिर मैंने अपने बड़े भैया से पूछा कि कैसे क्या करूं, तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि बेटा आप जो भी बुक पढ़ो आप बुक्स मत बदलो, कोई भी चार बुक ले लो अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, और फिर उन्हीं बुक्स को पढ़ो, उनका सिलेबस कंप्लीट करो, फिर उन्हीं बुक्स को बार बार रिवाइज करो। जब तक आप एक बुक को बार बार रिवाइज नहीं करोगे ना, हर टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर नहीं होंगे और आपके हर कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो ये जो मैंने सबसे बड़ी गलती करी थी ना पहले, वहां से मैंने सीखा कि नहीं, मुझे तैयारी करनी है और मुझे इस तरीके से पढ़ना है। फिर मैंने एक शेड्यूल बनाना शुरू कर दिया कि कितने बजे से कितने बजे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, कितने बजे मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करना है, कितने बजे
तक मुझे जीएस पढ़ना है, कब नोट्स बनाना है, कब करंट अफेयर्स पढ़ना है, इस तरीके से मैंने एक शेड्यूल बनाया और वॉल पे पेस्ट कर दिया। फिर उसी शेड्यूल को डेली फॉलो करती थी और उस शेड्यूल को फॉलो करने से मैंने एसएससी सीपीयू का प्री भी क्वालिफाई किया था। फिर इसी तरीके से जो मैंने एसएससी प्री क्वालिफाई किया वहां से थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं अब मैं कर सकती हूँ। फिर उसी समय एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आई थी, तो एसएससी जीडी का वैकेंसी जो आया था वो मैंने फिल किया और फिर एसएससी जीडी में भी एग्जाम दिया जाकर वहां पर, तो मेरा इंग्लिश में वहां पर सबसे अच्छा स्कोर आया था और मैथ्स में भी बहुत अच्छा स्कोर आया था, क्योंकि मैथ्स में मैंने कॉन्सेप्ट्स सीखे, फिर उसके टाइप वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा टॉपिक्स पूछे जाते थे, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उनका बार बार मैं प्रैक्टिस करती थी। मैथ्स में आप जितना रिटर्न प्रैक्टिस करोगे ना, ये मान लो आप जितना ज्यादा से ज्यादा मैथ्स में रिटर्न प्रैक्टिस करोगे उतना ही मैथ्स में आपका स्कोर इंप्रूव होगा। अगर किसी को लगता है तो मैथ्स वीक है तो वो बिल्कुल ऐसा ना सोचे, क्योंकि मैथ्स ऐसी चीज नहीं कि आपको कभी नहीं आएगी। अगर आप ठान लो ना, आप उसको प्रैक्टिस करने लगोगे ना, उसके कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो आपको मैथ्स भी एक ईजी लगेगी और चुटकियों में आप सॉल्व करने लोगों के। तो जो भी एक्सपीरियंस है अगर वो सोचते हैं कि मैथ्स या इंग्लिश बहुत मतलब टफ होती, तो ऐसा नहीं होता। आप करके देखो, आप जनरली करके देखो। मतलब मैं भी पहले ऐसे सोचती थी, नहीं यार मैथ्स में टाइम लगता है, ट्रिकी होती है, ऐसा वैसा नहीं आ पाएगा, बट मैंने धीमे धीमे जब उसको करना शुरू किया ना, तो मेरा मैथ्स में भी स्कोर इंप्रूव हुआ और फिर मैथ्स में भी काफी अच्छा स्कोर करने लगे। मैंने जब एसएससी जीडी का दिया तो मुझे श्योर नहीं था कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा, उसमें मैं अब आंसर की आएगी तो मेरा होगा या नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि सिलेक्शन पोस्ट फेज की जो वैकेंसी आई ला उसको फिल कर देते। फिर मैंने एसएससी दो बार जीडी का दो बार दिया था, पहले बार में नहीं हुआ था तो मैं एसएससी जीडी सेकंड टाइम क्वालिफाई की थी। लेकिन जब मैंने सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का दिया था तो उस समय मेरा वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया। वहां से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार मैं कर सकती हूँ, और फिर मैंने वहां से तैयारी करना शुरू कर दिया कि नहीं, मेरे मन में मतलब मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गया कि नहीं यार हम कर सकते हैं। फिर मैंने कंसंट्रेट होकर बहुत अच्छे से लगन के साथ पढ़ना शुरू किया, सारे रूटीन्स फॉलो किए, सब कुछ फॉलो किया, फिजिकल भी तैयार किया जीडी वाला जो बचा था, बाकी धीमे धीमे ऐसे करके मैं डेली पढ़ती गई। डेली मैंने कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना शुरू कर दिया। फिर मैं जब सिलेबस कंप्लीट तो पहले भी कर चुकी थी, उन्हीं बुक्स को बार बार रिवाइज करती थी, फिर जीएस बार बार रिवाइज करती थी, पिनाकल बुक उठा के बार बार जीएस पढ़ती रहती थी, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वर्बल ऐसे ऐसे करके डेली रिवाइज करने लगी। और फिर जो भी फॉर्म्स आते गए मैं उनकी वैकेंसीज जो भी आती रहती थी उनके फॉर्म्स फिल करती रहती थी, फिर पेपर देने जाती थी, देखती थी कि हाँ मेरा स्कोर कितना बन रहा है कितना नहीं, और फिर वहाँ पे एनालिसिस करती थी किस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे मुझे पेपर में, फिर उनको आके एक पेज पे नोट डाउन करके फिर उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ती थी, फिर उनकी ट्रिक्स सीखती थी और फिर उनके रूल्स को फॉलो करके फिर मतलब और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती थी। मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी थी। मॉक टेस्ट देती थी ना जब मैं, अब आपको बताती हूँ कि मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे इंप्रूव किया। मैंने मॉक टेस्ट देती थी तो मैंने देखा सीआईएसआई के क्वेश्चंस मुझे आ ही नहीं रहे, मैं कर ही नहीं पा रही। फिर जब मैं उसके आंसर्स देखती थी पता चलता था वो तो एक सिर्फ छोटे से फॉर्मूले से ही होना था, लेकिन मैं इतना ज्यादा पीआई निकाल रही थी, पहले प्रिंसिपल रेट निकाल रही, मतलब पहले आईएसआई निकाल रही, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके, फिर मतलब ऐसे लेंथी प्रोसेस लगा रही। फिर बाद में मुझे पता चला कि अरे इनके भी एनुअली, हाफ क्वार्टरली, हाफ ईयरली ऐसे करके रूल्स होते। फिर मैंने वो रूल्स एक रजिस्टर में मेंटेन करना शुरू किया कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जिनके रूल्स मुझे अभी भी नहीं आ रहे, फिर उन पॉइंट्स को, उन टाइप वाइज क्वेश्चंस को लिखती थी और फिर उनकी प्रैक्टिस मैंने करना शुरू कर दिया। क्योंकि मॉक टेस्ट में आप तब तक अपना स्कोर इंप्रूव नहीं कर सकते हो, या आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, एनालिसिस नहीं कर पा रहे हो कि क्या गलतियां थी, किस टाइप के क्वेश्चंस में आप वहां फंस रहे थे, तो आपका स्कोर कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। स्पेशली मैं मॉक टेस्ट की बात करूं तो मॉक टेस्ट में आप चाहे सेक्शनल वाइज दे रहे हो या एक साथ दो आप, लेकिन मॉक टेस्ट आपको देना बहुत कंपलसरी है। और मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस करना कि किस सेक्शन में आपको ज्यादा टाइम लग रहा था, कौन से सेक्शन में आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, और कौन से टॉपिक या कौन से क्वेश्चंस में आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही थी, और फिर उन टॉपिक्स को एनालिसिस करो कि अच्छा ये टॉपिक मुझे दिक्कत कर रहा था, अच्छा मिक्सचर के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, अच्छा रीजनिंग में एनालॉजी, अच्छा रीजनिंग में मुझे क्लासिफिकेशन, अच्छा ऑड वन आउट, मतलब जो भी नंबर सीरीज, अच्छा जो भी आपने एनालिसिस किया ना कि इस टॉपिक मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर पाया, सिलेंडर है, डाइज है, जो भी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, फिर उन्हीं टॉपिक्स पे क्या करना है आपको फोकस करना है, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होगा। मॉक टेस्ट में जो आप गलतियां कर रहे हो उन गलतियों को इंप्रूव करने का एक सबसे बेस्ट तरीका तभी होता है जब आप उन गलतियों को नोट डाउन कर लो एक पेज पे कि ये क्वेश्चंस थे, ये टॉपिक वाइज था जो मुझे नहीं आ रहा, ये टॉपिक के क्वेश्चंस थे जो मुझे नहीं आ रहे, फिर उन्हीं टॉपिक्स को प्रैक्टिस करना, रिविजन करना, रिटर्न प्रैक्टिस करना, उनको वर्बलाइज करना, तभी आपका स्कोर मोस्टली आपका मॉक टेस्ट में स्कोर इंप्रूव होगा।
अब यहाँ पे बात करते हैं फिजिकल में जो बच्चे तैयारी करते हैं ना, उनको पहले धीमे धीमे रनिंग करके स्टार्ट करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, क्योंकि आप फिजिकल में बोलूंगी स्पेशली जो भी आप फिजिकल वाले एग्जाम्स दे रहे हो, मतलब कि जो भी आप डिफेंस या फिर आप पुलिस में जाना चाहते हो या SSC GD SSC CPO जो भी मतलब ऐसे एग्जाम्स दे रहे हो, उसमें आपको तैयारी के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा करके आपको फिजिकल तैयार करते रहना होगा, तभी आप फाइनल सिलेक्शन दे पाओगे। सेकेंड थिंग, यहाँ पे अब मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, आपको शायद लग रहा होगा लो ये तो अपनी शुरुआत करी, बट मैं ये बता रही हूँ कि मैंने छोटी छोटी गलतियाँ बहुत सारी जगहों पे करी, जिसकी वजह से मैं 2-3 कॉम्पिटिशन्स में पीछे रह गई, लेकिन उन्हीं कॉम्पिटिशन्स में जिनमें मैं पीछे रह गई ना, वहीं से सीखा मैंने कि आखिर क्या गलतियाँ कर रही हूँ, क्या चीज़ें हैं जिसमें मुझे फोकस करने की ज़रूरत है, तभी मैं आगे बढ़ पाई, फिर मैंने और 2-3 एग्जाम्स क्लियर किए। तो ये जो गलतियाँ मैंने पॉइंट आउट करी नहीं, ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है, और जो चीज़ें मैंने बताई आई होप आपको हेल्प करेंगी सिलेक्शन देने में। और जो भी एस्पिरेंट्स हैं अगर SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको फुल स्ट्रेटेजी मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैं ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, वहाँ से आप उसको ज़रूर देख लीजिए। बाकी जो भी एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, वो मेरे लिए टारगेट लेके चले कि नहीं मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है, मुझे अपनी एक सीट पक्की करनी है, फिर उसी के बुक्स, उसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक टेस्ट दे और अपनी कमियों पे फोकस करें, क्योंकि आप अपने कमियों पे फोकस करोगे तभी आपका स्कोर इम्प्रूव हो पाएगा। तो जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सोच के देखो कि अगर आपने अपना मतलब नौकरी दे दिया, तो सबसे ज़्यादा खुशी आपके पेरेंट्स को होगी, और जब आप सिलेक्शन दोगे, नौकरी मिलेगी ना आपको, तो आपके आपके पेरेंट्स आप पर इतना फील मतलब इतना प्राउड फील करेंगे ना कि कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि जब कभी भी हम सेलेक्ट होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा जो खुश होती है वो हमारी फैमिली, मेरे लिए हमारे पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने भी देखा होता है कि हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, हम लोग दिन रात पढ़ते हैं, और तब जाके कहीं सिलेक्शन होता है। कई बार हम लोगों को निराशा मिलती है, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं कि अरे हमसे नहीं हो रहा, ऐसा है वैसा, बट ये चीज़ें आपको कभी नहीं सोचना है, क्योंकि आप कर सकते हो। और एक एग्जाम में 1-2 नंबर से रह जाते हैं जैसे, तो आप फोकस करो कि वो 1-2 नंबर से रह कहाँ गया, और फिर उसी तरीके से आप 1-2 नंबर पर फोकस करो कि ये रह कहाँ गया मेरा। जब आप ये चीज़ सीख जाओगे ना कि हम रह कहाँ जा रहे हैं, अपने वीक पॉइंट्स को जब आप एनालिसिस करना शुरू कर दो ना कि हमारी कमी क्या थी, हम क्यों पीछे रह गए, कैसे हम रह गए, क्योंकि कोई भी वैकेंसी आती है ना, उसमें आपकी आपने फॉर्म फिल किया तो मतलब आपकी एक सीट पक्की है, आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये मेरी एक सीट है, मैं इस पर अपना सिलेक्शन देके रहूंगा या रहूंगी। स्पेशली गर्ल्स, आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। माँ की आजकल गर्ल्स को मोस्टली फ्रीडम मिलने लगी है, बट गर्ल्स भी अच्छे से अपना डेडिकेशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें। और बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पर्संस होंगे जो विलेज में रह रहे हैं, उनको सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है, तो वो यूट्यूब चैनल्स में जो टीचर्स का नाम बताया मैंने, उनसे हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैं इंग्लिश का बता दूँ, तो आप इंग्लिश में रानी मैम से पढ़ सकते हो या फिर नीतू मैम से पढ़ सकते हो, और ग्रामर के लिए नीतू मैम की वॉल्यूम 1 जो बुक आती है वो बेस्ट है, वहाँ से ले लो, वो बुक बहुत अच्छी है ग्रामर रूल्स के लिए। बाकी आप रानी मैम जो हैं, उन्होंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखा है ग्रामर्स के रूल 100, तो आप वहाँ से ग्रामर रूल सीख सकते हो, या फिर आप नीतू मैम को भी फॉलो कर सकते हो। इंग्लिश के ये दोनों टीचर सबसे बेस्ट हैं। बाकी अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने, तो जो अनन्या मैम कराती हैं टेस्ट बुक की, वो आप वहाँ से उनको फॉलो करके कर सकते हो। मेनली मैं यही बोलना चाहूँगी, आप कोई भी बुक से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी। आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो कम से कम 8-9 घंटे आपको पढ़ने ही पढ़ने पढ़ेंगे, मिनिमम 8 आवर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक टारगेट बनाकर चलना पड़ेगा, डेली शेड्यूल बनाना पड़ेगा, घर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ें आप मत करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में यही किया, पढ़ती थी, कोई आया, अच्छा आप आए, हाँ नमस्ते अंकल, ये वो, मतलब मिले चली जाती थी अपनी पढ़ाई छोड़कर। बट आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको 6 महीने लगन के साथ किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो, जैसे भी CPU फिर से आएगा, CGL आएगा, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो 6 महीने आप सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि ये 6 महीने अगर आप सब कुछ भूल कर सिर्फ आपको अपना सिलेक्शन याद रहना, तो सिलेक्शन के बाद ये सारे खुद ही पूछने आएंगे, आपको खुद ही मिलने आएंगे, मतलब इतना अच्छा हो जाता, मतलब आप फील करके देखना कि सिलेक्शन देने के पहले की कंडीशन और सिलेक्शन लेने के बाद की कंडीशन में कितना डिफरेंस हो जाता है। जो लोग आपको पहले पूछते भी नहीं ना, वो भी आपको पूछने लगते हैं, वो भी बोलेंगे अच्छा हाँ ये, अच्छा उस पोस्ट पर, हाँ इसको तो मैं जानता हूँ, मतलब आप सोच के देखो ना, बहुत प्राउड फील होगा आपको जब ऐसे मोमेंट्स आप सिलेक्शन देने के बाद जब इंजॉय करोगे। सीरियसली एक्सपीरियंस, आप पूरा दिन रात मेहनत करो, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ो, बिल्कुल डिटर्मिनेशन, बिल्कुल मतलब पढ़ाई के मतलब आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं अगर मुझे वर्दी चाहिए तो आप जो मतलब जो भी आपने टारगेट ले रखा हो किसी भी पोस्ट के लिए, किसी भी फॉर्म के लिए, तो आप जब तैयारी करो ना तो बिल्कुल जी जान लगा दो कि हाँ हमें सिलेक्शन लेना है तो लेना है, कोई अगली बार नहीं, कोई नहीं अगले साल नहीं, जो लेना है अभी लेना, और आपके पास अभी इतना सफिशियंट टाइम है कि आप सिलेक्शन ले सकते हो। जो भी एस्पिरेंट्स SSC GD की तैयारी कर रहे हैं ना,
उनके पास भी अभी सफिशियंट टाइम है कि वो कब है, फरवरी में पेपर होगा। अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी में आपको 20 डेज, मतलब 19 डेज तो मिल ही जाएंगे। ये मान चलो ओवरऑल अगर अप्रॉक्सीमेटली ले लो 3 मंथ्स आपके लिए, जीडी के लिए 3 मंथ्स सफिशियंट है। अगर जीडी की स्ट्रेटेजी चाहिए आपको, कैसे स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या ये सारा डिटेल चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी हो किसी भी एग्जाम की एसएससी से रिलेटेड, वो आप मुझसे क्वेरी करके पूछ सकते हो। तो जो भी एस्पिरेंट्स ना ये तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है कि वो अपना एग्जाम दें और प्रिपेयर करें। मैंने AIATC का भी एग्जाम दिया था और उसमें मैंने प्री में क्वालिफाई, मतलब जो उसका पार्ट ए पार्ट बी हुआ था उसमें मैंने क्वालिफाई भी किया था, बट मेरा जो स्कोर था वो बहुत अच्छा पार्ट बी में नहीं हो पाया था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो कहीं ना कहीं वो गलती मैंने ये भी कर दी थी कि पार्ट ए पे ज़्यादा फोकस करने लगी थी, पार्ट बी पे नहीं। तो जो भी एस्पिरेंट्स AI के हैं अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो उनके लिए लास्ट में मैंने ये यूजफुल चीज़ इसलिए बताना चाहा क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं ना, अगर उसमें Tier 1 Tier 2 होता है ना, तो वो Tier 1 पे ही फोकस करते रहते हैं, Tier 2 पे नहीं फोकस करते हैं। या पार्ट ए है तो पार्ट बी, मतलब पार्ट ए है पार्ट बी, तो वो किसी एक सेक्शन को इक्वली लेके नहीं चलना। मेरा कहने का सेंस, आप चाहे Tier 1 दो, Tier 2 दो, चाहे जितने टीयर्स हो, आपको सारा एक स्टडी के साथ मैनेज करके चलना है कि आपकी जो प्रिपरेशन वो स्टार्टिंग से लेकर एक साथ आपकी रेगुलरिटी के साथ चलना चाहिए। क्योंकि हर एग्जाम्स में सिलेबस Tier 1 Tier 2 का अलग अलग नहीं होता, बुक्स अलग अलग नहीं होती है जैसे कि SSC में। तो आपको स्टार्टिंग से ही अपनी ऐसी तैयारी करने के चलनी है कि आप सारा सिलेबस स्टार्टिंग से धीमे धीमे करके कवर करते रहो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो। आप दो साइट्स हैं जैसे कि ओलिव बोर्ड, वो वेडनेसडे थर्सडे को फ्री मॉक टेस्ट कराता है, बाकी एग्जाम भी है। एग्जाम भी में आप 5 मॉक टेस्ट फ्री दे सकते हो। आप गूगल पर डालोगे IXAMBEE, इसमें आप 5 फ्री मॉक टेस्ट दे सकते हो। कि जो भी एस्पिरेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो ये दो साइट्स पे आप अपना फ्री मॉक टेस्ट भी दे सकते हो, फिर अपने वीक पॉइंट्स पे एनालिसिस कर सकते हो। जो भी एस्पिरेंट्स ये वीडियो देखने के बाद अगर इन दो साइट्स पे अपना मॉक टेस्ट देंगे तो वो अपना स्कोर जरूर कमेंट करें कि कौन से एग्जाम को और दिया है और कितने उनके मॉक टेस्ट में स्कोर हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को अपनी जर्नी बता सकूँ कि कैसे मैंने गलतियाँ करी, क्या गलतियाँ करी जो आप रिपीट नहीं करो, जिससे कि आप अपनी एक ही बार में सीट अटेम्प्ट, जो भी एक सीट है वो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसकी पक्की कर पाओ। तो जो भी एस्पिरेंट्स हो, चाहे वो बिगनर हो या तैयारी कर रहे हैं या फिर उन्हें एग्जाम्स ही है, मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी यूजफुल करंट अफेयर्स या जो भी वैकेंसी आती है उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या SSC के द्वारा जो भी टॉपिक्स जो मोस्टली हर बार रिपीट किए जाते हैं, उसकी स्ट्रैटेजी, स्टडी प्लान, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जो भी वैकेंसी आती है या जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको अपडेट करूंगी। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि जो भी फर्दर डिटेल्स है वो आपको अपडेट्स मिलती रहे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।